क्रिप्टो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए वीक काफी इंटरेस्टिंग रहा क्रिप्टो प्राइस एक्शन इथेरियम मर्ज संदीप नहलवाल का न्यू वेंचर अनाउंसमेंट कॉइनबेस बेस का क्वार्टर टू परफॉर्मेंस और बहुत कुछ तो चलिए ये सब जानते हैं हम आज के क्रिप्टो डाइजेस्ट में हेलो आई एम रुक्मिनी एंड योर वॉचिंग क्रिप्टो डाइजेस्ट बाय कॉय इस शो में हर हफ्ते मैं आपके साथ शेयर करती हूँ क्रिप्टो की दुनिया के टॉप न्यूज एंड इंसाइट्स एवरी मंडे मॉर्निंग हम आगे बढ़े उससे पहले मेक श्योर sure कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और बेल आइकन पर क्लिक किया है ताकि आप क्रिप्टो करेंसीज और वेब थ्री से जुड़े इंसाइटफुल वीडियोस कभी मिस ना करें सो लेट्स स्टार्ट विथ ट्रैकिंग क्रिप्टो मूवमेंट ओवर द वीक फ्राइडे दोपहर तक बिटकॉइन 19,900 डॉलर्स के नीचे आ चुका था एंड इज स्टिल बिलो इट्स ऑगस्ट हाई ऑफ नियरली 25,000 डॉलर्स। इस साल के बिटकॉइन की प्राइसेस में 55 परसेंट का डिप देखा गया है एनालिस्ट का मानना है बिटकॉइन इसी रेंज में रहेगा जब तक फेडरल रिजर्व्स की मीटिंग का आउटकम और इन्फ्लेशन नंबर रिलीज नहीं होते इथेरियम फ्राइडे के शुरुआती के कुछ घंटों में 1,648 डॉलर्स तक पहुंच चुका था बट क्लोजिंग तक 1555 तक पहुंच गया इथेरियम 1600 डॉलर्स के लेवल को होल्ड करने में काफी स्ट्रगल कर रहा था व्हिच वाज नॉट एक्सपेक्टेड आफ्टर इट्स मिड अगस्त हाई ऑफ 2000 डॉलर्स स्पेशली जब ऑफिशियल मॉर्च डेट पास आ रही है व्हिच इज 15 सितंबर ट्रॉन और टीडा के अलावा फ्राइडे को ज्यादातर टोकंस हायर लेवल पर ट्रेड कर रहे थे पॉलीगॉन ने 5% पोलका डॉट ने 3% और कार्डानो ने 2% का गेन किया नाउ लेट्स मूव ऑन टू आर नेक्स्ट सेगमेंट अबाउट इंपोर्टेंट न्यूज इन द क्रिप्टो वर्ल्ड क्रिप्टो बे मार्केट का असर साफ नजर आ रहा है बड़े ब्रांड्स ने अपनी एडवर्टाइजिंग और स्पॉन्सरशिप के बजट काफी हद तक स्लैश किए हैं ऐसे में क्रिप्टो डॉट कॉम ने यूरोपियन चैंपियन लीग की नाइंटी मिलियन डॉलर की डील से लास्ट मोमेंट पर बैकआउट किया है हालांकि यूरोपियन चैंपियन लीग के पास काफी सारे एग्जिस्टिंग स्पॉन्सर्स हैं, बट इस मूव से क्रिप्टो डॉट कॉम जैसे क्रिप्टो कंपनीज की रेप्यूटेशन पे सवाल जरूर खड़े होंगे क्रिप्टो डॉट कॉम इज ऑल्सो स्पॉन्सरिंग फीफा वर्ल्ड कप एंड रेसिंग एंडलाट वो यू थिंक विल क्रिप्टो डॉट कॉम बैक आउट ऑफ दीज स्पॉन्सरशिप एज वेल कॉइनबेस ने कुछ ही दिनों पहले अपनी क्वार्टरली रिपोर्ट रिलीज की है एंड द एक्सचेंज हैज रिपोर्टेड अ लॉस ऑफ मोर देन वन बिलियन डॉलर इन द सेकेंड क्वार्टर बट क्वाइन बेस की ब्लैक रॉक पार्टनरशिप से एक्सचेंज को काफी बूस्ट मिला है एंड सीईओ ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा कि वो कॉन्फिडेंट है कंपनी करंट क्रिप्टो विंटर को पार कर लेगी इस बात पर एनालिस्ट का कहना तो कुछ और ही है बट आप हमें कमेंट्स पर बताइए कि आपको क्या लगता है क्या कॉइनबेस के फाइनेंशियल नंबर्स इस क्रिप्टो विंटर को विपस्टैंड कर पाएगी पॉलीगॉन के फाउंडर संदीप नैलवाल ने अपने न्यू वेब थ्री वेंचर फंड सिंबॉलिक कैपिटल के लिए 50 मिलियन डॉलर्स रेज किए हैं इस फंड को क्रिप्टो करेंसी प्रोटोकॉल्स एक्सचेंजेस क्रिप्टो फोकस्ड ऑडिशन फॉर्म एंड वेंचर कैपिटलिस्ट ने बैक किया है सिंबॉलिक ने अपने plans में बताया कि वो इस फंड से कंज्यूमर फेसिंग सेंट्रलाइज एप्स पर फोकस करेंगे सिंबोलिक कैपिटल ने ऑलरेडी थ्री ब्लॉक चेन फोकस्ड गेमिंग स्टार्टअप ब्लिंक मून प्लान मोजो और कम्युनिटी गेमिंग में इन्वेस्ट किया है डू यू थिंक दिस इज अ पॉजिटिव स्टेप फॉर द वेब्री इको सिस्टम let me know in the comments below this is it from my side in today's crypto digest by coinex i hope you found this video useful Aise hi insightful videos ke liye hamari youtube channel on newsletter ko subscribe karna na and feel free to ask any questions that you may have in the comments below and we'll try to respond to you i'll see you next monday till then you take care and keep trading